हमीरपुर में नामी ग्रामी कंपनियों में रोजगार मेले में की गई सीधी भर्ती। जनपद हमीरपुर उत्तर प्रदेश की तहसील क्षेत्र वासियों का परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के प्रार्थी श्रद्धा का मुख्य केंद्र रहा, जहां से स्वामी जी ने भारत को गुलामी और क्रूतियों के अंधकार से मुक्तता कराने का बिगुल भूका था। स्वामी जी सदैव अपने क्षेत्र के सर्वत्र विकास एवं कृषक उन्नति के लिए तत्पर रहते थे, जिसके चलते उन्होंने सर्वप्रथम कृषि संकाय से विद्यालय की स्थापना की। भेदभाव जात पात और कर्मकांडों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए संस्कृत महाविद्यालय की भी स्थापना की। आज स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्षेत्रीय संस्थाओं पुरातन छात्र परिषद BNB इंटर कॉलेज राठ, जय माँ श्यामला देवी समाज कल्याण संस्थान राठ, जय सिया माता जन कल्याण संस्थान पवई, बाल लोधी क्षत्रिय एम्प्लाइज एसोसिएशन राठ के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र व दूर दराज के 18 से 35 वर्ष के बेरोजगारों को भारत में भारत पे, पेटीएम, भीम, UPI, FOS, महिंद्रा इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, BMW, इनारा ट्रेडिंग एंड सर्किल डेवलपमेंट एकेडमी, रोजगार भारत, मदरसन, डिक्सन, इंडो फार्म ट्रैक्टर, CCTV व FIEM कंपनियों में हेल्पर, असिस्टेंट, सुपरवाइजर, सेलर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, टेलीकॉलर, सिक्योरिटी गार्ड, मैकेनिक, डिजिटल मार्केटिंग पदों का कानपुर, दिल्ली, NCR, लुधियाना, हिसार, गोरेगांव, मुंबई और गुजरात के लिए सीधी भर्ती की गई। इस मौके पर चरखारी महुआ विधायक ब्रजभूषण राजपूत, अनुपमा सिंह लोधी संयोजक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा राजपूत, महेंद्र प्रताप राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा, ममता राजपूत समाजसेवी ने प्रतिभागियों को अग्रिम शुभकामनाएं दी और रोजगार बाजार से आए प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया। हमीरपुर, दिनेश सिंह, हिंदुस्तान न्यूज 24। ममता जी, आज राठ में पहला रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और जैसा कि देखते हैं कि इस क्षेत्र में आप बहुत सशक्त महिला के रूप में और महिलाओं के लिए के अधिकारों के आप जो लड़ाई लड़ती है, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस रोजगार मेला के बारे में? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये हमारा पहला रोजगार मेला लगा हुआ है वो सभी लड़का या लड़कियाँ जो भी हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात, इससे कई लड़कियों को और लड़कों को रोजगार मिलेगा, उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार है और आगे वो लोग और भी लोगों के भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने परिवार को आगे ले जाएंगे। खासतौर से लड़कियाँ जो जिनमें आत्मबल भी बढ़ेगा और दूसरी बात अपने परिवार और बच्चों को बहुत आगे तक ले, इसलिए मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे पढ़ा नहीं रहे या जो पढ़ नहीं रहे हैं, लड़कियों को जो लोग नहीं पढ़ाते हैं आगे तक नहीं ले जाते हैं, लड़का और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं, लड़कियाँ भी वो सब कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकते। मेरी शिक्षा दीक्षा मोहांड से पूरी हुई है और उसके बाद मैं जिस जगह बैठा हूँ BNB इंटर कॉलेज और BNB डिग्री कॉलेज से मुझे पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। हाल ही में मेरे दिमाग में अचानक आया कि मैंने समाज को क्या दिया। करीबन 1995 में यहाँ से दिल्ली चला गया था और वहाँ मैं अपने कुछ रोजी करके मैं अपने बच्चे पाल रहा हूँ, तो इस सिलसिले में बहुत दिन से परेशान था कि मेरी नौकरी खुद 30 साल की उम्र में लगी थी। जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी का दर्द मुझसे ज़्यादा नहीं जाता वो कोई बेहतर, तो वो मैं तब तक मेरी कोई इमेज नहीं थी, कोई पहचान था नहीं था। दिल्ली में हम एक किस्म से सागर में बूंद की तरह थे, तो वहाँ हमने फिर क्या किया, जा करके सबसे पहले तो हमने जितने बुंदेलखंड के लोग थे उनको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके अखिल भारतीय बुंदेलखंड विकास मंच बनाया, तो लगा कि हम फिर भी महदूद हैं, बहुत से कम लोग हमसे जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं। फिर मैंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी हेल्प सोच नाम की एक संस्था बनाई
उसका फ़ायदा बहुत मिला मुझे, मुझसे लोग जुड़ते गए, धीरे जुड़ते गए। हमने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में काम किया और इस तरह से हमारा काम वहाँ बनता चला गया। फाइनली ये हुआ कि अब वो जब इमेज डेवलप होती है, इमेज के साथ साथ फिर आपको पुरानी चीज़ जो मन में होता है वो करने का एक दिन आखिर आ गया। तो अभी मुझे दिल्ली का बेस्ट टीचर अवार्ड मिला 31 तारीख को जब घोषित हुआ, तो मेरा मन किया कि यार मैं शिक्षक तो हूँ, मैंने जो नौकरी पकड़ी थी मैंने छोड़ी नहीं, मैंने कहा नहीं ये तो नौकरी करूँगी, इसके अलावा मुझे जो करना है मैं करता रहूँ। तो समाज सेवा मैं करता हूँ, पत्रकारिता भी करता हूँ, तो उस नाते से मैं जो है लोगों से मिला और बातचीत की कंपनियों से, मैं उन कंपनियों से मैंने मिला और उनसे बातचीत की कि मतलब आप लोग लोगों को बुलाते हो दिल्ली में मुंबई में, आप लोग इंटरव्यू ले लेते हो, बच्चे हमारे गांव के आ ही नहीं पाते। तो बोले यार गांव के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, उनके पास में नॉलेज नहीं, उनके नॉलेज है, सबसे बड़ी चीज़ है उनके पास में कैलिबर है और वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप मौका नहीं देते हैं। तो मैंने कहा मैं आपके आने जाने का, हवाई जहाज का सब कुछ किराया खर्चा देने को तैयार हूँ, ईश्वर की दया से है मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा, अब आप मेरे क्षेत्र में चलिए और वहाँ पर हम बच्चों को आप लाइए, इंटरव्यू लीजिए, काम है तमाम तरह के ऐसे काम है, कुछ डिजिटल जो आजकल हो रहा है पेटीएम वगैरह भीम ऐप वगैरह इस तरह के कुछ आईटीआई के, तो हमने हर तरह के बच्चे हमने सबसे यहाँ पे आसपास मेरे पुराने इष्ट मित्र जो थे सबको मैंने फोन करके परसों की बात पे व्हाट्सएप पर डाल के सोशल मीडिया का जो सही इस्तेमाल है मैंने लाइव में किया और उसका बड़ा फायदा हुआ। अभी आप देख रहे हैं कि करीबन हम 500 लोगों का इंटरव्यू कर चुके हैं और मेरे ख्याल में अभी 900 बच्चे अभी और हैं, इतने बच्चे आ चुके हैं। अब आप पूछेंगे इतनी नौकरी है कहाँ आपके पास में, तो मेरे पास में आज की डेट में 3000 नौकरी है। आज मैं स्पेशल छुट्टी लेके आया हुआ हूँ गवर्नमेंट से कि मुझे ये काम करना है और मैं 3 दिन लगातार इस तरह करता रहूँगा और ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होनी है, ये कहानी चलती रहनी है। सबसे ज़्यादा चांस ये है कि दशहरा और दीपावली के बाद में बहुत पोस्ट खाली हो रही है, करीबन 10,000 पोस्ट खाली हो रही है प्राइवेट में। एक तरफ तो आप ये देखिए कि पूरे इंडिया में अगर कैलकुलेट किया जाए तो 80 लाख नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं, लेकिन हमने जिस कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं उनका टर्नओवर, मैं उन्हीं से बात करता हूँ जिनका 100 करोड़ का टर्नओवर होता है एनुअल, तो वो कंपनी क्या है रिलायबल है, तो उन कंपनियों से हम लोग लाए हैं और ये लोग दशहरा दीपावली में अच्छी भर्ती होनी है। मेरा टारगेट है कि 10,000 में 10,000 बच्चे अपने क्षेत्र के भर सकूँ। मेरे पास अभी MSc एग्रीकल्चर बच्चे आए, बहुत से ऐसे बच्चे आए जो बेचारे 10,000 में भी नौकरी कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि बुंदेलखंड जो है उद्योग विहीन क्षेत्र है, यहाँ पे 0 इंडस्ट्री है। अगर मैं तुलना करूँ, क्योंकि मैं RTI एक्टिविस्ट हूँ तो मैं बेहतर जानता हूँ कि बुंदेलखंड को अब पूरे प्रदेश को अगर 4 प्रांतों में हम बांट दें, 4 क्षेत्रों में उप क्षेत्रों में बांट दें, तो जो हरित प्रदेश है मेरठ वाला क्षेत्र वहाँ पे हमारे 54% उद्योग है, और जबकि 24% उद्योग हमारे पास में है मध्यांचल में, और पूर्वांचल में हमारे पास 16% है, हमारे बुंदेलखंड में 2 से 4% उद्योग। तो ये कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन एक बड़ा गैप तैयार हुआ। दूसरी बात, एक तो उद्योग विहीन क्षेत्र है, दूसरा हम लोग मारे हुए प्रकृति की मार हमारे ऊपर जमकर है, और मैं पिछले 20 साल से लिख रहा हूँ, दिल्ली में आवाज़ बन के खड़ा होता हूँ, लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ कि हमारे यहाँ पानी लगातार कम बरसता है, 10-10 साल तक लंबा सूखा पड़ता है यहाँ पर। बाकी हमारे यहाँ के जो टैंक रिकॉर्ड है वो 725 ml वार्षिक वर्षा है, जबकि पिछले